जय हिंद दोस्तों, सुबह के सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की, जिसमें बात करूंगा पेंशन और ग्रेच्युटी पर एक नया कानून बना है। 3% डीए और उसका एरियर के भुगतान की संभावना और सभी छात्रों के लिए एनसीसी हो अनिवार्य। यानी खबरों को देखते विस्तार से, सबसे पहले कहते हैं कि पेंशन और ग्रेच्युटी पर एक नया कानून, एक आपने देखा होगा सर्कुलर इशू हो चुका है और ये कानून बना है, इसकी खबर प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा गया है कि किसी जवान, यदि वो पेंशन जा रहा है और उसकी पीपीओ जारी नहीं होता है, उससे पहले उसको पेंशन लागू हो जानी चाहिए और ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिए। ऐसा होता है प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, जवान के डॉक्यूमेंट एक ऑफिस से आते हैं, रिकॉर्ड से पीयूआर, पीयूआर से पीसीडीए पहुंचते हैं, इसके बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई क्वेरी या इंक्वायरी हो जाती है, वापस आता है, तो इसकी जिम्मेदारी जवान की नहीं होगी, ये आपके लेखा जोखा विभाग की होगी, प्रशासनिक विभाग की होगी। इसमें जवान का कोई दोष नहीं है और उसकी अविलंब यानी पेंशन चालू की जाए और उसका ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी अधिकारी है उसके ऊपर दंडित कार्रवाई की जाएगी और उस जवान को जब भी पैसा मिलेगा वो ब्याज देना होगा सरकार को। दोस्तों इस पहल का करते हैं स्वागत। दूसरी खबर बात करते हैं कि जैसे सभी साल के आंकड़े आ चुके हैं कि जनवरी में जो डीए बढ़ना था, यानी 1 जनवरी 2022 को डीए बढ़ना था, 30% डीए का बढ़ना लगभग तय है और इसका एरियर यानी ये कब होगा भुगतान, हम समझ सकते हैं अप्रैल में भुगतान होने की पूरी संभावना, यानी 3 महीने के एरियर के साथ आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में। अंतिम में बात करते हैं कि सभी छात्रों को एनसीसी अनिवार्य होना चाहिए, बिल्कुल, ये एक बड़े नेता ने रमेश बैस जी ने कहा है कि क्यों ना, हमारे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेते हैं और इनके लिए स्कूलों में सभी छात्रों के लिए एनसीसी होगा तो देशभक्ति का जुनून होगा, फौज के बारे में समझेंगे और खुद भी वो अनुशासित होंगे, समाज को भी अच्छा करेंगे, टर्न आउट होगा, डिसिप्लिन होगा, सारी चीजें हैं। और जैसे कि आजकल फौज का क्रेज है, देशभक्ति की भावना यदि बच्चे में जग जाती है स्कूली टाइम से तो शायद देश के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा होता है तो हम इसका बिल्कुल पहल का स्वागत करते हैं। दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद दोस्तों।